आशीर्वाद प्रदान कर। देखिए 15 साल के मुख्यमंत्री और 5 साल के विधायक, डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने जो निर्देश दिया, हाईकमान ने जो तय किया है, मैं इसलिए चुनाव मैदान में हूँ। 15 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए और 5 साल विधायक रहते हुए, राजनांदगांव क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। एक मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए, कहीं विकास नहीं है। बाप और बेटे, बेटा भी उनका सांसद था, बाप मुख्यमंत्री थे, लेकिन दोनों के होने के बाद भी राजनांदगांव विकास में जमकर उपेक्षित है। यहाँ मैं अब लगातार घूम रहा हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन वार्डों में घूमने का अवसर कम मिलता था। कार्यक्रम में आते थे, विभिन्न कार्यक्रम में आते थे, लोगों के साथ मिलते जुलते थे, लेकिन अब जब घूम रहे हैं पूरा राजनांदगांव, पुराना जिला होने के बाद जिस प्रकार से विकास यहाँ होना था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, जिस प्रकार से आर्थिक उन्नति के द्वार खुलने थे, ये सब कहीं दिख नहीं रहा है। उसका कारण है डॉक्टर रमन सिंह जी के पास विजन नहीं है, विजन लेस मुख्यमंत्री रहे हैं वो। किस्मत से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, किसानों को ठगने का काम किया है, व्यापारियों को ठगने का काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है, महिलाओं को राशन कार्ड काटने में ठगने का काम किया है। इस चुनौती को हम लोग स्वीकार किए हैं और 5 साल विधायक रहने के बाद भी जनता के बीच से गायब रहे हैं। विधायक का तो प्रमुख जो उद्देश्य रहता है उसका विधानसभा क्षेत्र रहता है। मुख्यमंत्री से तो समझ में आती है कि बात मुख्यमंत्री होते हुए व्यस्तता अधिक रही होगी, लेकिन विधायक होने के बाद भी मैं जगह जगह सब जनता से पूछ भी रहा हूँ, यहाँ के नागरिकों से भी पूछ रहा हूँ कि आदरणीय रमन सिंह जी कितने बार आप लोगों के पास आए, तो सभी लोगों का कहना है कि एक भी बार डॉक्टर रमन सिंह हमारे बीच में नहीं आए हैं। तो ये स्थिति है राजनांदगांव की। जनप्रतिनिधि डॉक्टर रमन सिंह 5 साल गायब रहे, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 साल गायब रहे। ये जनता जब अपना कोई जनप्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो वार्ड का पार्षद हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, चाहे विधायक हो, जनता चाहती है कि उसका जनप्रतिनिधि, चुना हुआ जो जनप्रतिनिधि, उसके साथ रहे, उसके सुख दुख में खड़ा रहे। विकास की कमी यहाँ देखने को मिल रही, विकास ही मुद्दा है।